अभी हम फ्रैंकफर्ट में हैं और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है और सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है लगभग। आज मैं कुछ बहुत ही मस्त चीज़ सीखने वाला हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे वेस्ट में। उस चीज़ का नाम है आइस स्केटिंग। तो बहुत टाइम से मैं करना चाहता था, आज वो दिन आ गया है। तो सबीना जी भी हमारे साथ हैं, आप एक्साइटेड फील कर रहे हो? I don't know. I still have little bit rock and rip, so I cannot fall. So I have to use that damn penguin. तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट में है ये लकीली। और ये जो सामने है ये है आइस पोर्ट हाल है, इस मतलब जहाँ पे स्केटिंग करते हैं इसका मतलब है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी फ़िलहाल जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी कोई पक्का नहीं है कि अभी हम जा सकते हैं या फिर हमको दोबारा किसी टाइम पे आना पड़ेगा, अभी कन्फर्म करना है। जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ तो हम नहीं जा सकते, पर हम यहाँ जा सकते हैं, ये जो बाहर जो स्केटिंग रिंग है और भी जो कि और ज़्यादा अच्छा है। बैड न्यूज़ ये है कि जितनी टिकट होती हैं एक दिन के लिए वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं और हमको अब दोबारा आना पड़ेगा कल। एडवांस में टिकट बुक कर लेंगे ऑनलाइन पहले से ही, पर एक बार तो मेरे को यहाँ पे जाना है ही है। तो अगला दिन आ गया है, हमको तो 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ा पर आप लोगों के लिए एक सेकंड ही होगी है। और हम अभी उसी लोकेशन पे फिर से आ गए हैं, इस बार हमारे पास टिकट भी है एडवांस में और वैक्सीनेशन प्रूफ भी है। कम चांस हैं कि हम इस मेन रिंग में आज भी जा सकते हैं, पर चलो उम्मीद करते हैं कि जा सकते हैं, पर बाहर वाली में तो आज पक्का जा रहे हैं। बाहर से ऐसी दिखती है ये, अभी तक कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। डॉग्स को मत लेके आना, डॉग्स अलाउड नहीं है, लेके आए तो बाहर रहना पड़ेगा उनको। तो फाइनली हम अंदर पहुँच गए हैं, वैक्सीनेशन प्रूफ और टिकट दोनों दिखा दिया है। ये जो है ये है टिकट है, इसमें लिखा हुआ है प्राइस भी। कितना है प्राइस? 14 यूरोज, दो बंदों के लिए 14 यूरोज है। और अब जो आपको स्केट लेने हैं उसके लिए अलग अंदर प्राइस देना है। स्केट्स के लिए प्राइस अलग है, अगर आप अकेले आते हो तो आपके लिए 5 यूरो है, स्कूल के बच्चों के लिए 3.5 यूरो है, और अगर ग्रुप है 10 लोगों का तो उसके लिए एक बंदे का 4.5 यूरो है। अरे यार, इनके कागज और ये सब, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। एक तो आपको शूज वगैरह लेने हैं तो आईडी वगैरह चाहिएगी उसके लिए भी, जिसकी हमने कोई उम्मीद नहीं की थी। और वैक्सीनेशन प्रूफ लाना, टिकट एडवांस में बुक करना और जूते वगैरह लेने हैं तो उसके लिए आईडी अलग से लेके आना। लकीली हमारा जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल सामने ही है, दौड़ के भी चला जाऊंगा वहाँ पे, तो अभी मैं वो लेके आता हूँ। पहले तो एक तो डिसाइड करने में इतने दिन लग गए थे कि भाई हाँ आज जाना है, आज जाना है, और फिर उसके बाद में डिसाइड होने के बाद में ये कागज वो कागज, तो ये पहले से ही एकदम रिसर्च कर लेना। यहाँ पे जर्मनी में अपने ही रूल है। दिस पेंगुइन्स, दे आर फॉर स्टार्टर्स, यू कैन स्टार्ट विद देम, सो यू कैन गो विद देम लाइक दिस। 10 यूरोस डिपॉजिट। या तो ये वाले फाइनली मेरे साइज़ के जूते हैं जो कि मुश्किल थे मिलने, और ये सबीना के जूते हैं। तो एक चीज़ और ज़रूरी याद रखनी है, अपनी जो कोई वैल्यूएबल चीज़ साथ में लेके आते हो और जो दूसरे जूते हैं वो सब और कुछ भी पर्स मनी है, अगर वो एक जगह पे रखनी है तो उसके लिए 1 यूरो का चेंज चाहिए। आप वो चेंज देने के लिए तैयार है नहीं और हम लेके आए नहीं, तो अभी कुछ खरीदना पड़ा, खाने का मूड तो नहीं था पर खाना पड़ा, और फिर उसके साथ जो यूरो मिला है उससे लेके हमने अपना सामान अंदर रख दिया है। साथ में लेके सामान को तो स्केट नहीं कर सकते आप। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है इन जूतों में खड़ा होके, ये जगह पे तो अब भी प्रैक्टिस चली रही है, पर उसको छोड़ो हम यहाँ जा सकते हैं। और भी मस्त चीज़ है कि पूरी रिंग खाली है, कोई भी नहीं है, बस जैसे अपना ही रिंग है।
Now we have the GoPro on, which is very much more handy than the big camera. किस्मत अच्छी है यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग आए नहीं है, वरना तो अगर आप चल रहे हो थोड़ा सा तो एकदम से ब्रेक मारना भी आना चाहिए, क्योंकि ना भीड़ ज़्यादा होगी तो अब पर अब तो फ्रीली इधर उधर जा सकते हो, गिर सकते हो थोड़ा बहुत। मेरे को तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये लोग जो इतना स्मूथली जा रहे हैं जा कैसे रहे हैं, मैं तो एक मिनट भी खड़ा नहीं हो पा रहा। इस पर भरोसा नहीं छोड़ना है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर सीख जाऊंगा, मैं बॉडी सीख रही है धीरे धीरे, दो तीन बार गिर जाऊंगा तो फिर अपने आप ही अच्छे से जाया जाएगा, क्योंकि हैं डर सा लगेगा फिर गिरने में। I did it a few times and I also can ski, so maybe I have a little bit advantage. कहाँ पे आ गई यहाँ से? There's Rahul. Let's catch him. सबीना के जूते सही साइज़ के नहीं हैं तो वो पैर में हर्ट कर रहे हैं, तो ये जा रही है, पर मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। दो तीन बार मैं गिर गया, पैर में थोड़ा दर्द है, मतलब इनिशियल स्टार्ट की जो चीज़ें होती है वो तो मतलब सीख के जाऊँगा ही। सब बढ़िया है पर जब रुकना होता है ना तभी मैं सबसे ज़्यादा गिरता हूँ। लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ड्राइव करना। अब कम से कम मेरे को लगातार 2 घंटे हो गए हैं वहाँ पे, 10 से 12 चक्कर मैंने आराम से उस पूरे रिंग के जा चुका हूँ मैं, और अभी खाने का कुछ मन कर रहा है। और यहाँ पे वैसे पूरा रेस्टोरेंट है, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, मैंने तो बर्गर ही किया है ऑर्डर। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कैसे शाम का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं आया था 12 बजे के आसपास, यहाँ पे 6 के आसपास हो गए हैं अभी, तो कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। नई चीज़ सीखते हैं तब ऐसा ही रहता है, स्पेशली स्केटिंग जैसी कोई चीज़। और अंदर एकदम मस्त म्यूजिक चल रहा है, बाहर लाइटें ऑन हो गई हैं, एकदम मस्त माहौल बन गया है। अभी अभी एक बच्चे के अंदर जाके लग गया था, पता नहीं कहाँ से एकदम से आगे आ गया वो, पर ब्रेक मेरे को मारने आती नहीं तो सीधा जाके उसके अंदर लगा। वो खड़ा होने के बाद में बिल्कुल छोटा सा बच्चा बोल रहा है सॉरी 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 सॉरी। मैं क्या, ब्रेक तो मेरे को मारने थे। इतना इजी है नहीं जैसा देख के लगता है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है, थकान सी हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे साइड पे जगह बनी हुई है, यहाँ पे आके रेस्ट कर लेता हूँ, अभी तो 1-2 चक्कर और मारने हैं। अगर सब मेरे हिसाब से चलता तो मैं तो यहाँ से 12 बजे तक भी नहीं जाता रात के, एकदम एक्सपर्ट होके ही जाता। पर अभी रात हो गई है और अनाउंसमेंट हुई है अभी अभी कि भाई अभी जो भी बाहर लोग हैं वो अंदर आ जाओ, और बंद होने का टाइम हो गया है। तो पर मज़ा आ रहा है फुल, जाने का दिल तो नहीं कर रहा है। वो सामने जो ट्रक दिख रहे हैं वो आ गए हैं अभी, वो शायद क्लीनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे, तो जब वो क्लीनिंग कर रहे होंगे तो आप स्केटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर गेम है ये, इंडिया में तो आपने कभी नहीं देखा होगा पर यहाँ पे बहुत पॉपुलर गेम है, और कल यहाँ पे मैच होगा तो ये पूरा का पूरा स्टेडियम फुल होगा। जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है वहाँ से हम साफ देख सकते हैं, तक 2-2.5 घंटे गेम चलता है तब तक फुल आवाज़ आती है म्यूजिक की, लोगों के चिल्लाने की। चलो मज़ा आ गया एकदम, अगर फ्रैंकफर्ट में हो या फिर यूरोप में कहाँ पे हो तो आइस स्केटिंग ज़रूर आप लोगों को भी ट्राई करनी है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में शेयर करना, अगर जो भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अगर आप फ्रैंकफर्ट में हो तो कमेंट में बताना, मिलते हैं और साथ में भी स्केटिंग कर सकते हैं फिर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।